एक एक करके अब हम उन फैसलों को अब रिवर्स करना शुरू करें, लेकिन वो तभी मुमकिन होगा अगर कि हम बीजेपी और बीजेपी के साथ जो मिले हुए लोग हैं उनको हम रोकने का काम करें। बीजेपी की एक बहुत बड़ी खासियत है, उन्होंने अंग्रेजों से कुछ सीखा नहीं सीखा, एक चीज ये सीखा किस तरह किसी को इस्तेमाल करके फेंकना है। अगर आप पिछले 5-6 साल जम्मू कश्मीर का देखें तो शायद ही कोई ऐसा है जिसने इस दौरान बीजेपी की मदद ना की हो, जिसको उठा के इन्होंने पटका नहीं दिया। उस वक्त के गवर्नर जिसके दस्तखत से हमारा झंडा, आईन, हमारी पहचान, वकार, सारा कुछ हमसे छीना गया, उसको पता ही नहीं था तो उठा के उसको यहां से निकाल दिया। उसके बाद जिसको भेजा उसका भी वही हाल। जिन जिन अफसरों ने इनका काम किया आज वो कहीं के नहीं, जिन जिन अफसरों ने इनके इनके इशारों पे नाचा एक के बाद एक उनको बेइज्जत करके यहां से निकाला, और जिन सियासतदानों ने इस दौर में उनकी मदद करने की कोशिश की उनकी हालत आपके सामने है। अब किस किस के हम नाम लें जिन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी की यहां तक आते हुए मदद नहीं की। अगर 2008 से हम शुरू करें तो रियाज साहब ने सारा खाका आपके सामने खींचा। अगर हम 2019 के बाद की बात करें तो यहां कई ऐसे लीडर हैं जिनके कंधों पर दिल्ली ने हाथ रखा, कहा बस आप ही चलो हम आपके साथ हैं, माली मदद, सिक्योरिटी की मदद, सारा कुछ इंतजामिया उनके पीछे। लेकिन जब लगा कि उनके पैर अब फिसलना शुरू कर गए, दिल्ली ने उनके ऊपर से भी हाथ अपना हटा दिया। चाहे बुखारी साहब हो, चाहे आजाद साहब हो, चाहे हमारे सजाद गनी लोन साहब हो, मुझे अफसोस उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने इन लीडरों पे भरोसा किया, जिन्होंने सोचा कि ये लीडर आपके लिए, आपके घर के लिए, इस कौम के लिए कुछ बेहतर हासिल करेंगे, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। मुझे अफसोस अमीन भट्ट जैसे लोगों के लिए है जिन्होंने सारा कुछ छोड़ के आजाद साहब के पीछे चले, ये सोचते हुए कि आजाद साहब एक ऐसे लीडर हैं जो कि उनकी रहनुमाई करेंगे, उनकी लीडरी करेंगे। लेकिन जब पीछे मुड़ के देखा तो कोई था ही नहीं। अरे उसके लिए तो कांग्रेस वाले हमसे टिकट ले रहे थे कि हम अमीन को वहां से तोड़ के लाएंगे, आप टिकट दो। हमने कहा पहले लाओ फिर बात करो। अब अमीन को लगता होगा कि काश उस वक्त उसने कांग्रेस का हाथ थामा होता, शायद उसका मुस्तकबिल अलग होता। और यही हाल बाकियों का। अब जैसे मैंने अपनी बात, जिस बात पे मैंने शुरू किया, हमारा आज मकसद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को रोकना है, क्योंकि जो बाकी मुल्क में मुसलमानों का हाल है वो हम यहां जम्मू कश्मीर में होते हुए नहीं देखना चाहते। जो कर्नाटका में स्कूल और कॉलेज जाती हुई बच्चियों के साथ हुआ, जो यूपी में हमारे मदरसों के साथ हुआ, जो रस्तों पे जहां से उनकी यात्रा गुजरती है वहां के दुकानदारों के साथ हुआ, जिनको कहा गया कि अपने दुकान के बाहर मालिक का नाम लिखो ताकि यात्री को यह पता चले कि मैं किसी मुसलमान के दुकान से सामान ना खरीदा। फिर हम लोग हैं, आपके इलाके से भी यात्रा गुजरती है, यहां से होते हुए बालतल या सोनमर्ग
आप लोगों के बिना ये यात्रा मुमकिन ही नहीं होती। ये यात्री कश्मीरी मुसलमान के कंधों पे सवार होके यात्रा करते हैं, लेकिन ये इतने फिरका परस्त लोग हैं कि इनको बाकी मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने के अलावा कुछ और कुछ नहीं आता। अब ये यहां बीजेपी और उनके जो खैर खां हैं वोट मांगेंगे, लेकिन उनसे जरा पूछे खुदारा, उनको इस मुल्क में इतने करोड़ मुसलमानों की आबादी में एक भी ऐसा काबिल मुसलमान नहीं मिला जिसको पार्लियामेंट में भेज के ये मिनिस्टर बनाते। आज 16% आबादी, मुल्क की 16% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन इस मुल्क के काबिना में एक भी मुसलमान वहां नुमाइंदगी करने के लिए नहीं है। तो फिर वो लोग जो आज फखर से दावा करते हैं कि अगली वजीर आजम वजीर आला की कुर्सी का फैसला उनकी जमात करेगी, जो मैंने कल दो जमातों से सुना, एक जिसके साथ आपका बीच में वास्ता रहा है और एक जिनका मेरे साथ पिछले इलेक्शन में वास्ता रहा, दोनों ने कहा है कि वो आने वाले वजीर आला का फैसला करेंगे, लेकिन दोनों इस बात पे खामोश रहे कि वो वजीर आला बीजेपी का नहीं होगा। ये गौर करने वाली बात है, क्योंकि हकीकत यह है कि जो वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे अलायंस को नहीं जाएगी, वो वोट सीधा सीधा बीजेपी के हक में जाने वाली वोट है। और क्या हम दोबारा बीजेपी का दौर यहां देखना चाहते हैं? अगर नहीं तो फिर फैसला लोगों को सही करना है। लेकिन हम वो लोग भी नहीं हैं जो सिर्फ डरा धमका के वोट लें। अगर हम सिर्फ ये कहते ना कि आपने सिर्फ वोट बीजेपी को रोकने के लिए देना है और हम आपकी किसी भी तरह बेहतरी नहीं करेंगे, तो शायद वो भी हमारी कोताही होती। लेकिन रियाज साहब ने सही कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मंशूर पेश किया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मजबूर हुए उस पर बात करने पे। और शायद ही कोई बीजेपी का वजीर आला है गुजरात से लेके आसाम तक जिसने हमारे मंशूर के बाद उस पर कोई बात ना की हो। अरे जिस मंशूर की मुखालफत बीजेपी करे, मुझे नहीं लगता है उससे बेहतर मंशूर यहाँ के आवाम करे। मैं तो कहता अगर बीजेपी ने हमारे मंशूर की तारीफ की होती, मैं डल में जाके कूद मारता। और जहां बीजेपी ने हमारे मंशूर की मुखालफत की, वहां एक दो ने हमारी मंशूर की नकल की, बिल्कुल उठा के उसको मेरे हमारे मंशूर से निकाल के अपने में डाल दिया। हमने कोई ऐसा ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे लोगों को तकलीफ नहीं होती, जिसका हमने उसमें जिक्र ना किया हो। बेरोजगारों के रोजगार के लिए, नौजवानों की तालीम के लिए, बिजली का निजाम बेहतर करने के लिए, बिजली का बिल कम करने के लिए मुफ्त बिजली के यूनिट, घरों पे जो महंगाई का दबाव बना हुआ है उसको कम करने के लिए मुफ्त गैस के सिलेंडर, बच्चों के लिए मुफ्त तालीम यूनिवर्सिटी के लेवल तक, पीएसए का ये पकड़ धकड़ रोकने के लिए हम वादाबंद हैं कि हम पीएसए का कानून जम्मू कश्मीर से हटा के रखेंगे। पुलिस वेरिफिकेशन के तहत जो नौजवानों को सताया जाता है, जो हमारे बुजुर्गों को सताया जाता है जब ये पासपोर्ट बनाने जाते हैं क्योंकि उनको हज करना होता है, और क्योंकि इनका कोई दूर दराज रिश्तेदार 20-30 साल पहले उसने गलती से बंदूक की तरफ आंख उठा के देखा, आज के दिन में इनको पासपोर्ट नहीं मिलता। नौजवानों को रोजगार के लिए सीआईडी की वेरिफिकेशन नहीं मिलती। हमारे जो काश्तकार हैं
उनको लोन लेना होता है, उनको लोन नहीं मिलता सीआईडी वेरिफिकेशन के वास्ते। हमने कहा कि ये निजाम जो सख्ती का, जो परेशानी का, जो गिरफ्तारियों का है, ये हम रोकेंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को डरा धमका के वोट नहीं ले रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर वाकई आपको एक बेहतर कल चाहिए, अगर वाकई आप जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालना चाहते हो, तो उसका तरीका यही है कि आने वाले इलेक्शन में आप उम्मीदवार वो चुनो जो कि हमारे अलायंस के साथ जुड़ा हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिंबल है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिंबल नहीं है वहां हाथ के निशान पर, लेकिन जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिंबल है वहां बहुत जरूरी है कि हल्का बटन दबे और नेशनल कॉन्फ्रेंस।